Thank you everyone. Welcome to my YouTube channel Saeed Ali. मैं वर्क वीज़ा रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को गाइड करूँ कि कैसे आप लोग USA मूव हो सकते हो, इंडिया से मूव हो सकते हो और बांग्लादेश से मूव हो सकते हो, पाकिस्तान से मूव हो सकते हो। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें थोड़ा कुछ बातें रह गई थी, तो प्रकाश भाई ने बोला कि मैं उस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि सब लोगों का वो क्लियर हो जाए। तो प्रकाश भाई, आपने क्या एक्सप्लेन करना है, प्लीज़ मेरे व्यूअर को एक्सप्लेन करो प्लीज़। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं प्रकाश एक बार फिर सैयद अली के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं दे पाए हम लोग, वो था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है और फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो ऑप्शन इतना ज़बरदस्त है कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके करियर के लिए। तो वो कॉन्टेक्ट करें, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं आसपास, बहुत है, ट्रैवल एजेंट बहुत हैं जो जिनके कॉन्टेक्ट हैं यूएई में एम्प्लॉयर्स के साथ, वो फ्रेशर बंदों को हायर करते हैं। तो कुछ पैसा, कुछ चार्जेस वो लेते हैं, तो वो लगा के आप जैसे कैसे भी यूएई जाएं, आप लोगों को कुछ पता चलेगा भी असल में यूएई है क्या। जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल छोड़ के यूएई चले जाएं। बिल्कुल। तो वहाँ जाके किसी वेयर हाउस या रिटेल में या फिर वेटर में, होटल में, फैक्ट्रीज़ में बहुत काम है। यूएई में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप 5-6 महीने जाके एज ए हेल्पर भी काम करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वहाँ एक तो ग्रोथ बहुत है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में काम कर लो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो यही मेरी तरफ से एक आपको सलाह है, रिक्वेस्ट कि आप लोग वहाँ जाएं और जाके काम वाम करें, जितना भी पैसा लगता है वो आप लोग इजीली रिकवर भी कर सकते हैं और आपको कुछ नॉलेज भी हो जाएगी यूएई असल में है क्या। तो थोड़ा यही देखो, उसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला, उसमें सब कुछ प्रॉपरली होएगा। तो यूएई अगर आप चले जाते हो ना, किसी भी काम में चले जाते, एक ज़ीरो बंदे के लिए एक यूएई ऐसी कंट्री है कि जिस आदमी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उधर चल सकता है, उधर से अच्छा करियर लेके वो यूरोप में सक्सेस हासिल कर सकता है। सबसे बेस्ट यूएई है आज के टाइम। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे सब लोगों की माइंड में ये होता है कि हम यूरोप चले जाए, यूएसए चले जाए, कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, लेकिन हमारे पास ना कोई मतलब एजुकेशन है प्रॉपर, ना पैसे ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें हमारे एबिलिटी नहीं है, इंग्लिश हमारा वीक है और हम सोचते बहुत बड़े हैं। तो आप लोगों ने कुछ करना है तो आप यूएई में मूव हो जाओ, उधर से आ सकते हो। और जो लोग अच्छे एक्सपीरियंस ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और यूएई में, आप लोग ट्राई करो, इंशाल्लाह आप लोग इधर अच्छी लाइफ देखोगे, बहुत अच्छी लाइफ है यूरोप में और सब कुछ इजी है, थोड़ा प्रेशर नहीं है इधर, मतलब कंफर्टेबल लाइफ है इधर। जी प्रकाश भाई, और थोड़ा ट्राई करो जाने का, बस यही है मेरी तरफ से। तो यही सजेशन है कि आप लोग निकलो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से निकलो, वहाँ तो 10-15 साल तुम लोग ख़राब कर दो बैठे बैठे एजेंट के इंतज़ार पे कि एजेंट मेरा वीज़ा लगाएगा और 10 लाख चला जाएगा, 12 लाख चलाएगा, एंड पे कुछ नहीं होता, वो कभी भाग जाता है, कभी वो पैसे रिटर्न कर लेता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो इससे अच्छा है कि आप ना थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा मूव हो जाओ और फिर इधर आप इजी आ सकते हो। आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, कैसी वीडियो लगी है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस मैटर पे चाहिए, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे।
अगर किसी को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से यानी कोई भी ट्रैवल एजेंट कोई अच्छा नहीं मिल रहा मूव ऑन होने के लिए, तो हम लोग उस पर भी एक जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं ना, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो जो कम खर्चे पर बेचते हैं और रेकमेंड करेंगे कि आप लोग कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उधर जाओ और उधर से आप लोग यूएई में मूव हो जाओ और यूएई में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो और फिर इधर आ जाओ वेरी इजी। जिस तरह मैं स्टक हो गया था पाकिस्तान में, ठीक है, फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं किधर जाऊँ, ठीक है, मैं गया रावलपिंडी गया, उधर एक एजेंसी ढूंढना, फिर उसके ज़रिए मैं यूएई गया, उधर दुबई में मैंने एज ए सिक्योरिटी काम शुरू किया, फिर मैंने उधर एक्सपीरियंस ले ली, फिर उसके बाद मैंने इधर सीवी भेज दिया माल्टा में, विद इन वन वीक मेरे को रिप्लाई आया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था यूएई में। तो एक्सपीरियंस लोग ये लोग हायर करते हैं, इन लोगों को पसंद है एक्सपीरियंस लोग, एक्सपीरियंस कंट्री से यूएई स्किल यूएई में स्किल्स वर्कर होते हैं और ये लोग जो है ना ये उधर से हायरिंग ज़्यादा करते हैं। 80% हायरिंग जो होता है ना वो यूएई से होता है, ठीक है। तो यूएई में मूव हो जाओ, अपना लाइफ बनाना है, प्लेट में हलवा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने करना है। तो अगर कुछ ना कुछ करना है आप लोगों ने तो मेहनत करो, और कुछ बनना है तो मेहनत करो भाई, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। प्रकाश भाई का भी यही क्वेश्चन था कि आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि यार आप लोगों को बताएं, गाइस अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से आना है यूएई और आप लोग देखते हो कि मैं किस तरह मूव हूँ, जो आइडिया क्या है, ठीक है, कुछ माइंड में नहीं है, तो रावलपिंडी में एक एजेंसी है, आप लोग मुझसे कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, उधर जाओ। आप लोगों को बेसिक इंग्लिश होना आना चाहिए, ठीक है, बेसिक इंग्लिश आती है तो उधर जाओ, वैसे सिक्योरिटी में जाओ, वेटर में जाओ, वेयर हाउस में जाओ, किसी भी पेड़ में मूव हो जाओ और आप लोगों को उधर से वीज़ा मिल जाएगा और फिर यूएई से आप लोग इधर आ सकते हो। तो गाइस हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसके बदले में आप लोगों ने क्या करना है कि मैं हमारी वीडियो पूरे वॉच करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो बार देखा करो, ठीक है, आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग के लिए, और खुश रहो, आबाद रहो, कामयाब रहो, थैंक यू सो मच, सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो।